गुड इवनिंग हमारे क्लास टेंथ के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो आपकी आठवीं पोएम चल रही है द ट्रीज का। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, मिस इसके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस पोएम की ये अंतिम क्लास है, इसके पहले इस पोएम का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मीन हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसकी सेंट्रल आइडिया मीन इस पोएम का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज प्यारे बच्चों इस पोएम की अंतिम क्लास है। इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 7 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, ये आज आपकी 8वीं पोएम भी कंप्लीट हो जाएगी, और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जैसे सारी क्लासें चली हुई हैं, सारी क्लासें आपको शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी, आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज के हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज की टॉपिक क्या है इसका? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जल्दी से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए लैंग्वेज स्टडी दिया हुआ है, लैंग्वेज स्टडी में मीन्स एमसीक्यूज, एमसीक्यूज मीन्स होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे, प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम फाउंड, मीन्स इस कविता में जो पेड़ थे वह कहाँ पाए गए थे, मीन्स कहाँ पर थे। तो वही बात है, वेयर आर द ट्रीज मीन्स पेड़ पौधे कहाँ थे इन द पोयम, मीन्स इस कविता में फाउंड मीन्स पाए गए, तो कहाँ पाए गए थे। तो पेड़ किस पेड़ पौधों की बात हो रही थी? तो जो घरों में पेड़ पौधे थे उनकी बात हो रही थी ना, तो इन द गार्डन मीन्स बगीचे के पेड़ पौधों की बात हो रही थी, बिल्कुल नहीं होगा। इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल के पेड़ पौधों की बात हो रही थी, बिल्कुल नहीं। इन द हाउस मीन्स घरों के पेड़ पौधे की बात हो रही थी, जो घरों में थे जो है और वह बाहर निकल रहे थे, मीन्स जंगलों की तरफ जा रहे थे। तो प्यारे बच्चों आपका पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग पहले में तीसरे पे क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेंशनड इन द पोएम, मीन्स इस कविता में किस प्रकार के पौधों की बात किया गया है? डेकोरेटिव मीन्स सजावटी पौधे, पेंटेड मीन्स जो है कलाकृति किए हुए पौधे, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, नन ऑफ दी एब मीन्स इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे इसमें डेकोरेटिव प्लांट्स या फिर पेंटेड प्लांट्स की बात की गई है, सिंपल सी बात, सजावटी पौधे या फिर जो पेंट किए हुए जो है पौधे हैं उनकी बात की गई है, जो सजीव नहीं है उनकी बात की गई है। तो इसके लिए दोनों जब आपके ऑप्शन सही है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे केस क्या कर देते हैं? सी पर टिक कर देते हैं। दूसरे का सी टिक क्या है? आपका बोथ ए एंड बी, ए भी सही है आपका, बी भी सही है, तो आपका डेकोरेटिव प्लांट्स भी सही है और पेंटेड प्लांट्स भी आपका सही है। तो प्यारे बच्चों दो का कौन सा सही हो जाएगा? दो का आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन, ए पौधे कहां प्लांट किए हुए थे, मीन्स कहां लगाए हुए थे। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, अगर ये डेकोरेटिव प्लांट्स हैं तो सिंपल सी कहां लगाए हुएंगे? पॉट्स मीन्स जो आपका जो है पॉट मीन्स जो बर्तन होता है उसे पॉट कहते हैं, और पैंस मीन्स कढ़ाई, जो बर्तन आपका होता है या फिर कढ़ाई जो होता है उसी में इन्हें लगाया हुआ होता है ना। पॉट मीन्स गमला भी कह सकते हो, जिसमें पौधों को लगाते हैं, उस गमले को भी जो है गमले का भी नाम देख सकते हो, पॉट को। तो प्यारे बच्चे पॉट एंड पैंस जो दिया हुआ है, पॉट मीन्स हो गया गमला, हो गया पैन मीन्स हो गया आपका कढ़ाई हो गया, तो इन्हीं सभी में जो है इन पौधों को लगाया हुआ डेकोरेटिव जो प्लांट्स होते हैं उन्हें लगाए गए होते हैं ना। तो सिंपल सी बात, जो है दूसरा बी वाला आपका ऑप्शन दिया हुआ है, गार्डन, गार्डन तो हो नहीं सकता है, फील्ड्स ये भी नहीं हो सकता है, फॉरेस्ट ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर घर के पौधों की बात किया गया था। तो इसलिए प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा का आपका पहला सही हो जाएगा। तो हम लोग तीसरे के पहले पे क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। और इसका हिंदी मतलब समझ लेना, पॉट्स मीन्स होता है गमला, और पैंस मीन्स क्या होता है? कढ़ाई, गमला और कढ़ाई। और कढ़ाई का संदर्भ यहां पर क्या होगा? जो जिसमें खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उस कढ़ाई की बात नहीं हो रही है, सिंपल से वो भी किसी गमले प्रकार की होगी, गमले की बात हो रही है, तो जो उस कढ़ाई की बात हो रही है जो है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को समझने की सिर्फ कोशिश करना, पॉट्स मीन्स हो गया गमला, और पैंस मीन्स होता है कढ़ाई, और कढ़ाई मीन्स कौन? जिसमें जो है पेड़ पौधे लगाए जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज द पोएट्रेस राइट, मीन्स कवित्री क्या लिखती है। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, कवित्री क्या लिख रही होती थी है?
तो कवित्री क्या लिख रही थी? लॉन्ग लेटर्स लिख रही थी, मींस लंबे लंबे पत्र लिख रही थी ना। तो लॉन्ग लेटर्स का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए कौन सा दिया हुआ है, लॉन्ग पोएम्स पहला दिया है, दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है लॉन्ग लेटर्स, आपका दूसरा सही हो जाएगा। तो क्या लिख रही थी? लंबे लंबे पत्र लिख रही थी ना, और उस लंबे लंबे पत्र में कहीं भी डिपार्चर की बात उन्होंने नहीं किया हुआ था, जो घर से पेड़ पौधे जा रहे थे उसके डिपार्चर की बात उन्होंने नहीं किया हुआ था। तो सिंपल सी प्यार बच्चे बात क्या हो जाएगी कि वह क्या लिख रही है, कवित्री क्या लिख रही है, लॉन्ग लेटर्स लिख रही है। तो चौथे का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे के हम लोग बी पर टिक कर देते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज दी पोएटेस हेड फुल ऑफ, मींस कवित्री का सर किससे भरा हुआ है? मींस प्लांट्स मींस पौधे से भरा हुआ है, बर्ड्स मींस चिड़ियों से भरा हुआ है, इंसेक्ट्स मींस कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ है, विस्पर्स मींस फुसफुसाहट से भरा हुआ है। तो प्यारे बच्चों सीधे लाइन दिया हुआ था पोएम में आपका विस्पर्स दिया हुआ था, तो इसलिए पांचवें का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। तो हम लोग पांचवें के डी पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। वांट ट्राइज टू फ्री मींस क्या जो है स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, देमसेल्फ फ्रॉम दी क्रैक्स मींस दरारों में से, आप दी वरामदा फ्लोर मींस वरामदा के फर्श के जो दीवारें थी जो है जो दरारें थी उनमें से क्या कौन सी चीज जो है स्वतंत्र होने की कोशिश कर रही थी या मुक्त होने की कोशिश कर रही थी? तो प्यारे बच्चों किसकी बात हो रही है? रूट्स मींस जड़ों की बात हो रही है ना। वहां पर सीधे रूट्स को दिया गया था, रूट्स जो है जो वरामदा की फ्लोर थी उसके दरारों में से स्वतंत्र होने की कोशिश कर रही थी। तो प्यारे बच्चों रूट की बात किया गया था, जड़ की बात किया गया था ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रूट आपका छठी में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? पहले ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो आपका रूट का जो है छठे क्वेश्चन का आपका पहला सही हो जाएगा। पहला क्या है? रूट। तो हम लोग छठे के पहले पे क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। हु इज दी पोएटिस ऑफ दी पोएम दी ट्रीज, मीन्स इस जो कविता जो थी ट्रीज कविता है इसकी पोएटिस कौन है, मीन्स इसकी कवित्री कौन है? तो सिंपल सी बात है इसकी कवित्री कौन है? एडिन रीच है। तो आपका एडिन रीच कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? सातवां का बी दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों सातवां का आपका बी सही हो जाएगा। तो बी वाले पे हम लोग टिक कर देते हैं। आठवीं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर दी ट्रीज कंपेयर टू, मीन्स पेड़ों की कंपेरिजन मीन्स तुलना किससे किया गया था? इंसेक्ट मींस कीड़ों मकोड़ों से किया गया था, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से किया गया था, बर्ड्स मींस चिड़िया से किया गया था, चिल्ड्रन मींस बच्चों से किया गया था। प्यारे बच्चों सीधे दिया हुआ था वहां पर न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स किया गया था, जो नए नए छोटे छूटे हुए जो है पेशेंट होते हैं उनसे किया गया था, मींस रोगी जो होते हैं उनसे किया गया था। जैसे नए नए जो हॉस्पिटल से छूटे हुए रोगी होते हैं उनसे पेड़ों की कंपैरिजन किया गया था, तुलना किया गया था। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? आठवीं का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग आठवीं के बी पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है। व्हाट हैड बीन एम्प्टी मींस क्या खाली हो था, व्हाट हैड बीन एम्प्टी मींस क्या खाली हो चुका था? तो प्यारे बच्चों क्या खाली हो चुका था? जंगल की बात हो रही है ना, जंगल खाली हो चुका था तभी तो पेड़ पौधे जा रहे थे। तो आपका नवे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नवे का कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग नवे के बी पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। प्यारे बच्चे अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन क्या है। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मींस चंद्रमा टूटा हुआ है किसके समान? एक दर्पण के समान। तो प्यारे बच्चे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मींस अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? अगर कंपैरिजन के लिए एज लाइक सो का प्रयोग हुआ है तो आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है ना, जैसा कि हमने आपको बताया सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में। सिमिली में क्या बताई हुई? एक दो जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, मींस तुलना किया जाता है, और तुलनात्मक शब्द एज लाइक सो का प्रयोग होता है। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? लाइक का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो दसवीं का प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। तो दसवीं के हम लोग बी पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। इस प्रकार से आपके जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए थे, मीन्स आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे, सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये पूरी पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से अभी तक कह सकते हैं आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। सप्लीमेंट्री में आपके 2 चैप्टर हुए हैं, अब इसके बाद आपका सप्लीमेंट्री रीडर ही लेके चलेंगे, उसमें भी 4-5 चैप्टर पढ़ा लेते हैं जिससे इसके बराबर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इसके बाद आपका जो टर्म चलेगा वो सप्लीमेंट्री रीडर का चलेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें से जो चीजें अभी तक हमने पढ़ाया है, यदि आपको कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्लीट कर सकते हैं, देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट हमने शुरुआत में बना बता दी हुई है, बनी हुई है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी
अपनी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी क्लासे होंगी, आप वहां से देख करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, जो है आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर जो है आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, आप उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा, तो आपके जैसे नोट्स के बारे में जैसे भी इंफॉर्मेशन कोई होगी तो आपको वहां पर सूचित कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास से, मिलते हैं अब सप्लीमेंट्री रीडर के क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग से एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर आउट करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है और खासकर उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना जो कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं, प्यारे बच्चे उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाना। तो आज की यही क्लास समाप्त करते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।